वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ आज क्या है। हाँ, हम लोगों ने ना गणपति जी को बिठाया हुआ है, ये देखिए पीछे जब आपको दिख रहा होगा। तो इसकी जो जब स्थापित कर रहे थे तो हम लोग को ना, तो वो वीडियो नहीं बना पाई थी। तो मेरे छोटा वाला भाई है ना, उसके में आपको वो वीडियो मिल जाएगी स्थापित करे हुए की। तो मैं वो लिंक मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाकर देख लेना। तो जब तक तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। तो ये देखिए आप, तो अभी तो दिन हो रही है, शाम के टाइम इसकी पूजा होएगी। तो आज तो हम भी बैठेंगे पूजा में। ये देखिए, गणेश पूजा हो रही है, इसमें बहुत सुंदर कुटिया का भी सहयोग है और हम सब लोगों का भगवान गणेश जी का आशीर्वाद। तो मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ पीछे से थोड़ा और से। ये देखिए आप, ये रात के टाइम बहुत अच्छा लगता है। मैं रात की भी वीडियो भी दिखाऊंगी, बनाऊंगी भी। तो दिन में आई हूँ मैं, इसलिए थोड़ी बहुत वीडियो बना ली। तो अभी दिन में जब रात के टाइम बनाऊंगी तो आप देखना, बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। गाइस, अब ना शाम हो गई, अभी शाम की पूजा होगी और पंडित जी तैयार कर रहे हैं गणेश जी की पूजा के लिए। और ये हमारे अंकल जी बैठे हैं पूजा के लिए। कैसा लग रहा है अंकल जी गणेश जी को ला के? दक्षिणाम कांचनम देवी प्रसिद्धा परमेश्वर ओम महा। फूल लेकर के भगवान गणेश जी से क्षमा प्रार्थना करेंगे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुर प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगज्जिताय नागानगाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीशताय गणनाथ नमो नमस्ते। यासी स्वयं सुकृतिनाम भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम कृत दयाम हृदय सुबुद्धे श्रद्धा सताम कुलजना प्रभवस्य लज्जा तांताम नताश्म परिपालय देवी विश्वम्मा। ब्रह्माणि कमलेन्दु सौम्य वदना माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपदर्पनासन करी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही गण घोर गुरमुखी इंद्री च वज्रायुधा चामुंडा गणनाथ रुद्र सहितं रक्षन्तु भो मातरम्। वंदे मातर अंबिकां भगवतीं वाणी रमां सेवितां कल्याणी कमनीय कलफलतिकां कैलासनाथ प्रियां वेदांतं प्रतिपाद्यमान विभवां विद्वान्मनो रंजनीं श्रीचक्रांचित रत्न पीठ निलयां श्रीराज राजेश्वरीं मंत्रहीन क्रियाहीनं भक्तिहीन सुरेश्वरा यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तमे। आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। आप ले लो फूल चावल भगवान जी के 108 नामों का। ओम गजाननम भूत ना बैठे। हम कहानी इसलिए नहीं सुना रहे कि अच्छा लगे, अच्छा लगने के लिए कथा नहीं है, है? ये जो है इसलिए है कि हम इसके अनुसरण करें। तो आज कल हमने आपको सुनाया कुसंग के विषय में कि कुसंग दुष्ट व्यक्ति की जात जन्म निरर्थकम और अच्छे व्यक्ति की संगति करने से। कहते हैं जब बद्रीनाथ और केदारनाथ के मार्ग में पहले घोड़े से यात्रा होती थी, केदारनाथ में अभी भी होती है लेकिन बद्रीनाथ में अब आपकी गाड़ी चली जाती है। तो कह रहे हैं वहां पर जब घोड़ा जो जाता था उस घोड़े के पैरों में जो नाल होती थी उस नाल को घोड़े वाले क्या करते थोड़ा ढीला रखते थे ताकि वो गिर जाए वहां। क्यों गिर जाए? क्योंकि उन पहाड़ों पर क्या है पारस नाम की मणि होती है और जब वो गिरेगा
तो उस पारस के स्पर्श से क्या हो जाएगा? पारस में क्या बोलने जानता है कोई? पारस एक मणि है, बताओ जोर से बोलो। लोहे को सोना, हाँ, तो लोहे को जो सोना बनाती, इसलिए वो नाल जो है घोड़े की हल्की क्या रख देते थे? ढीला रख देते थे, ताकि वो कहीं उससे स्पर्श कर जाए। जरूरी नहीं हो जाता था, लेकिन 100 में से 1% चांस ऐसा हो जाता था कि वो टच कर जाए। और घोड़े वाला जो साल भर में नहीं कमा पा रहा है, वो एक नाल अगर सोने की बन गई तो उसका काम बन जाता था। इसलिए कहते हैं कि किसकी संगति में आने के कारण? उस पारस की संगति में आने के कारण लोहा जो है सोना बन जाता है। पारस को बेचने जाओ तो सोने की कीमत में कभी नहीं बिकेगा, लेकिन अपने आप तो वही रहता है, उसकी वैल्यू कभी नहीं बढ़ती। लेकिन जिस जो उसके संपर्क में आता है उसको क्या बना देता है? सोना बना देता है। ऐसे ही संत होते हैं। इसलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक तुलन ताहि सकल मिले जो सुख लव सत्संग। सत्संग में कितनी पावर है। अच्छी संगति में अगर बैठेंगे तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति नीच कुल में और नीच संगति में रहने के बाद भी यदि उसको सत्संगति मिल जाती है तो वो सोना बन जाता है, इतना शुद्ध हो जाता है। उसी परिप्रेक्ष्य में कल हमने आपको कुसंग की और आज सत्संगति की कथा सुनाते हैं। तो कह रहे हैं एक समय, कम से कम मेरा समय जो है क्या हो जाएगा, इसी बहाने मेरा समय भी पास होता रहेगा। अब सुनने लग गया तो सुना ध्यान से। जब चोर सुन रहा है, ध्यान से क्यों सुन रहा है? सबसे ज्यादा सतर्क अगर कोई है वो कौन होता है? चोर। चरण धरत शंका करत चितवत चारों ओर और सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। इन तीन लोगों को भगवान ने बड़ा सतर्क बताया, व्यभिचारी को, कवि को और चोर को। कभी भी जो है अपनी कविता को अगर सतर्कता से नहीं लिखेगा तो उसकी तुकबंदी छंदबंदी उसकी खराब हो जाएगी। पूजा हो गई खत्म, तो अब हम खा रहे हैं भंडारा। ये है कड़ी चावल, ये देखो मेरी मां घर मांग के लाई है। वो कहां है? दुकान के पास खड़ी, हमारे इधर के साइड में। अरे ठीक है, फिर चल। मैंने कहा खा रही है कड़ी चावल, उनको भेजो तो उनको। अच्छा, ब्लॉग कैसे बनाते हैं जरा बताइए। हेलो फ्रेंड, बैक टू ब्लॉग, कैसे आप सब लोग? और जोर की हेलो फ्रेंड, बैक टू ब्लॉग, कैसे आप सब लोग? आराम से। ये देखो अभी से तैयारी हो रही ब्लॉग की। कल ये तो ठीक है, खेल गया। कल दीदी के घर भेजूंगा दोपहर को, फिर जाएंगे फिर वहां पे। तो इस वीडियो को, अरे मेरे पे फोकस करो। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।